हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस एक्सेल में पैथन की कोडिंग ट्यूटोरियल में। मैं आपको बताता हूं कि हमें पैथन की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर वीवीए तो है, वीवीए चलेगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप समझ में आइएगा। जैसे यहाँ देखिए मेरे पास जो एक पैथन से बना हुआ एक चार्ट आपको दिख रहा है, और पैथन की प्रोग्रामिंग हमने यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने अपनी पैथन की प्रोग्रामिंग यहाँ पे की है, राइट। अब ये सेम काम को हमने यहाँ पे एक्सेल के अंदर किया है, विदाउट पैथन एक्सेल के यहाँ किया है, और यह देख रहा है यहाँ पे लगा। अब चलिए इस दोनों के बीच में प्रॉब्लम पहले बताते हैं, फिर इसकी सॉल्यूशन समझाएं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम एक्सेल की प्रॉब्लम समझते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूनिक लिस्ट लगाया हुआ था, यूनिक फॉर्मूला है, और मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस एरिया में मेरे डेटा को रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे हो गई कि मेरा चार्ट किसी पर्टिकुलर रेंज पे लगेगा, ये मुझे डेटा पे यहाँ रखना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम। बट आप पैथन की चार्ट में देखिए कि हमने एक सेल के ऊपर हमने कोड डाला और उसी कोड से हमारा ये चल गया, और मेरा जो डी लिंक है, लिंक किससे है, लिंक डायरेक्टली हमारा इस डेटा से है और इस कोडिंग के थ्रू है। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे चार्ट के बैकएंड में डेटा रखने की जरूरत नहीं है। तो पहले बेनिफिट तो ये आ गई। दूसरे बेनिफिट की हम बात करें तो अगर मान लीजिए कल के डेट में कोई नया प्रोडक्ट ऐड होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक नया प्रोडक्ट जो है एक्सल पीवाई के नाम से, EXPY के नाम से एक नया प्रोडक्ट ऐड किया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में तो आ गया, यहाँ पे आ गया, यूनिक फॉर्मूला दे दिया, बट यहाँ पे देखिए सम इफ नहीं आया। मुझे इसको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर यहाँ फॉर्मूला लगा के नीचे पहले से रखना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये हुआ कि अब मेरा डेटा रेंज जो है चार्ट का बढ़ना घटना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे मैनुअली बढ़ाना पड़ेगा, या मैनुअली नहीं बढ़ाते हैं तो फिर वो डिफाइन नेम मेथड काउंट वगैरह का एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इस चार्ट के अंदर घुसाना पड़ेगा। बट पैथन के अंदर हमने एक सिंपल सी कोडिंग कर दी कल के डेट में। यहां अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे EX-PY एड करके एंटर प्रेस करता हूं, आप देखिएगा कुछ ही सेकेंड में यहाँ EXPY ऑटोमेटिकली आ गए। तो चलिए इसको मैंने कैसे किया है एक करके दिखाते हैं, इसी एक्सेल वाले शीट पे इसी पे करके दिखाते हैं। इसको कई चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं साथ में भी बता दूं कि हमारी सेम एक नई कोर्स शुरू हो रही है, पैथन विथ एक्सेल। जी हाँ, पैथन विथ एक्सेल का एक नया बैच मेरा शुरू हो रहा है। ये अगर हम बात करें तो पैथन विथ एक्सेल, इसमें हम बात करेंगे जो कोड है पैथन की हम एक्सेल में कैसे यूज करेंगे, क्या बेनिफिट्स है, किस तरह के विजुलाइजेशन पे इस्तेमाल करेंगे। ये रात को आपका जो है 18 तारीख से शुरू हो रहा है, रात को 10 बजे। जी हाँ, रात को 10 बजे, 10 से 11 ये शुरू होगा, और कंप्लीट हम क्लासेस देंगे। ये ऑनलाइन होगा, 1-to-1 क्लास होगी, इसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे हम कोडिंग पे बैक करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे पैथन कोडिंग करने के लिए फॉर्मूला वाला में जाके इस PY पे क्लिक करता हूँ। PY पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडाज एज ए PD, क्योंकि पांडाज को मुझे लेना पड़ेगा PD। उसके बाद मैंने एक लिखा आर इक्वल टू 0, जो कि आगे लूप में जरूरत पड़ेगी, और फिर आर को इंट में कन्वर्ट करना है, तो आर इक्वल टू हम यहाँ पे इंट आर कर देते हैं, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, फिलहाल मैंने ऐसे ही कर लिया। उसके बाद आता है डेटा एफ इक्वल टू, अब मैं अपना डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो डेटा रेंज मेरा है इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरा इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा रेंज को मुझे, ये तो मैं डेटा रेंज है, डेटा फ्रेम में डालना, क्योंकि ये तो अभी एक्सेल पे है, मुझे अभी इसको पांडाज में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पे करते हैं df इक्वल टू pd डॉट
डेटा फ्रेम लिखने के लिए कैपिटल लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर में हम एफ को लिखते हैं, तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो। अब सबसे पहले मुझे चाहिए इसका यूनिक लिस्ट, क्या चाहिए, यूनिक लिस्ट। तो यहां पे यूनिक वैल्यू यूवी इक्वल टू, यहां हम करेंगे बी एफ ब्रैकेट के अंदर में यहां पे सॉरी लिखेंगे प्रोडक्ट रो डॉट, यहां पे और डॉट लिखेंगे यूनिक, ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहां पे कंट्रोल एंटर मारता हूं, ये पैथन को रन होगा, अब यहां पे आया। अब इसको यहां पे हम एक्सेल कर देते हैं, तो देखिए एक्सेल में सारे के सारे फीचर्स आ गए। अब इसमें मुझे हेडिंग भी डालना है, तो यहां पे एक लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं आरएफ नाम का, या कोई भी नाम कुछ भी दे दीजिए। तो लाइब्रेरीज में हमें क्या करना है, यहां पे कर्ली ब्रैकेट में ये हमारा है पी आर, या प्रोडक्ट लीजिए या पी आर लिखिए, कॉलर ये हमारा यूवी को कॉल कर लेगा यू वी, फिर कॉमा टारगेट के लिए हम यहाँ पे टी आर लिख देते हैं टी आर, और यहां जीरो कर देते कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए। तो ये पी आर और टी आर के हेडिंग के साथ डेटा और इसके आगे जीरो ऐड होके आ जाए। अब यहां पे वैल्यू आ नहीं रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक के आर, क्योंकि वैल्यू डेटा फ्रेम के थ्रू आता है, तो पी डी डॉट यहां पे हम डेटा फ्रेम करेंगे, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इसके जगह पे हम आर एफ को डाल देते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। इसमें आया है नो एट्रीब्यूट डेटा, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, डेटा फ्रेम में ई होना चाहिए, यहाँ पे जो भी चलेगा डायग्नोसिस आएगा यहाँ पे आपको। अब मुझे इस जीरो के जगह पे इसमें की वैल्यू को समिफ करके डालना, जीरो के जगह पे क्या करना है समिफ करके डालना है, और प्रॉब्लम यह है कि समिफ ऐसे पूरा एक रेंज पे नहीं आएगा, समिफ एक एक सेल पे जाएगा, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लूप लगाना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे वीवीए में लूप होता है ऐसे यहां पे लूप है, यहां लूप लगाते हैं कि फोर आई इन यू वी, यूनिक वैल्यू लूप हमें निकाला है उतना बार लूप चलना है, और क्या लूप चलना है, तो हमने लिखा एस इक्वल टू जो हमारा यहां पे डीएफ में जो हमने डेटा फ्रेम पूरा लिया हुआ है उसी को लेते हैं कि डीएफ डॉट एलओसी लॉक लॉक। अब यहां पे लॉक के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट देंगे और इसमें देंगे अपना डेटा फ्रेम जो कि डीएफ है, और डीएफ के कौन सा कॉलन है, तो हमने बोला कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये ऊपर प्रोडक्ट पूरा लिखा हुआ है ना सर, प्रोडक्ट ओरिजिनल डेटा लिया उसको कॉल कर रहे हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू आई, और इसके बाद मुझे इसके अंदर टारगेट है हमारा, और टारगेट तो क्या करना है, तो मुझे डॉट सम करना, ये आपका सम। अब सम होने के बाद मुझे इसको जो है ये जो आर एफ है ना इसके ऊपर ऐड करना है, आर एफ के ऊपर क्या ऐड करना है, इसके ऊपर ऐड करना है। अब यहाँ पे के आर देने की जो आर एफ के ऊपर इसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि के आर, क्योंकि आर एफ के आर पे आ गया ना यहाँ पे के आर डॉट ए टी, मतलब कि ऐड, और इसके अंदर किस में ऐड करना, तो आर, क्योंकि सिक्वेंसली ऐड करेगा तो जीरो से स्टार्ट है, इसलिए आर के आर पोजीशन पे जाओ, और हर पोजीशन पे जाने के बाद जो टी आर है टारगेट
वो इक्वल टू एस हो जाएगा, जो कि सम इफ की वैल्यू यहां से आ रही। और फिर आर को कंटिन्यूस बढ़ाने के लिए आर इक्वल टू आर प्लस वन हमने कर दिया। अब ए तो डेटा आ जाएगा, अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, चार्ट लेके आना है। तो चार्ट के लिए के आर डॉट सिंपल सा लिखना है प्लॉट। प्लॉट का सबसे पहले देना है काइंड, काइंड क्या है, तो हमने बोला काइंड इक्वल टू है बार, क्योंकि हमें बार चार्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक्स क्या है, तो एक्स इक्वल टू हमारा है ये, यह यहाँ पे क्या है पी आर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का फर्क होता है, तो उससे उसी तरह से देना होगा पी आर। और वाई क्या है यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू हमारा सेल्स है, तो हमारा टी आर, तो जो टी आर का जो है उसी तरह से लिखना है बस। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर एंटर प्रेस कीजिए, डेटा सम होके और चार्ट के अंदर डाल के आपको ये दे देगा। और ये इस तरह से दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए, ये आपका पिक्चर। अब इस पिक्चर को और भी बहुत आगे चल के हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह और बहुत चीजें भी करेंगे, लेकिन इस पिक्चर को जहां लेके जाना जा सकते हैं। अब आप देखिए कि कौन बेनिफिट हुआ। अब ए जो है इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर बढ़ेगा घटेगा तो चार्ट दिक्कत होगा, डेटा रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको हमें ब्लैंक वगैरह के दिक्कत को हैंडल करना पड़ेगा, इसकी सीरीज को ऑटो करना पड़ेगा, और यहाँ हमने बस कुछ लाइन की प्रोग्रामिंग को लिखा और मेरा चार्ट प्रिपेयर हो गया। इस तरह के विजुलाइजेशंस के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं पाइथन, पाइथन इन एक्सेल। जी हाँ, तो आप कंपेयर कीजिए कि अगर आप, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सबको सारे, आप अपने खुद के एक्सेल में देखिए आपको ये पाइथन वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, अकाउंट सेक्शन में, और आपको ऑफिस 365 के अंदर जाके आपको यहाँ पे अपना बीटा चैनल लेना पड़ेगा। फिर इसके लॉ, इसके जो ये है क्या बोलते हैं, लाइब्रेरीज है, इसकी जो चैनल है उस पे जाके इसको साइन इन करना पड़ेगा, तब जाके एक दो दिन बाद आपके सिस्टम में पाइथन वाला आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद इसको प्रीव्यू में भी दिया हुआ। तो बिल्कुल नई कोर्स शुरू हो रही है, आई थिंक ये नॉलेज हर किसी के पास नहीं होगा, आप सीख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा, और आगे चल के इसमें वीबीए को रिप्लेस करेगा, वीबीए की तरह हम पैथन का यूज करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए फटाफट कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मेरे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक